आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट, हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में आपको पूछा जाता है। तो इससे पहले हमने आदिकाल को पढ़ा, भक्ति काल को पढ़ा, इसके बाद यानी हमने भारतेंदु युग को पढ़ा, और आज हम द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। द्विवेदी युग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके लिए आते हैं और उनका हम सरलतम और बहुत ही मार्मिक शैली में किस प्रकार उनका उत्तर लिख पाते हैं, इसके लिए आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इस मैटर को आप पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छी तरह से इनको लिख सकें। और इसी हिसाब से आपको लिखना है कि उत्तर में कहाँ अंडरलाइन करनी है, कौन से यानी टॉपिक को हाईलाइट करना है, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसमें आप अच्छी तरह से इसको ध्यानपूर्वक देखें। और हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम नोट्स आपके काम आएंगे, इसके लिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी वीडियोज है वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं और वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में अलग अलग लिस्ट बनी हुई मिलेगी और वहां पर आप इनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अलावा आप इनको सर्च करके भी देख सकते हैं, और सर्च करके भी देखते हैं। और टेलीग्राम चैनल है कॉलेज क्लासेस बाय दाना राम, कॉलेज क्लासेस बाय DR रोज। इनको बिना स्पेस दिए जब आप यानी सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें ये पब्लिक चैनल है, इस पे आप ऐड हो सकते हैं, जिसपे डेली क्लासेज आपके आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत अधिक मेहनत जो मेरी काम आएगी और आपकी सहायता होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं द्विवेदी युग क्या है। देखिए, द्विवेदी युग के बारे में थोड़ी सी भूमिका हमें लिखनी होती है। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या है, द्विवेदी युग के विकास या द्विवेदी युग की सामान्य प्रवृत्तियां बताइए, द्विवेदी युग के बारे में जो भी पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी भूमिका लिखनी होती है किसी भी उत्तर के लिए। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि आधुनिक युग या आधुनिक हिंदी कविता में नवीन भावों का अभ्युत्थान का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन नवीन भावों के परिष्कार और परिवर्धन का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, और द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही चलाया गया है। द्विवेदी युग में कवियों ने मानव समाज में नई चेतना जागृत करने का प्रयास किया, और इस युग में प्रमुख लक्षण जो है मर्यादावाद और आदर्शवाद रहा है। इस युग के कवियों और लेखकों ने भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन किया है। यानी इस युग में आते आते देखिए किस प्रकार जो है वो यानी लिखने की कला चेंज हो गई, उनके पात्र कैसे चेंज हो गए, कि जो राधा भक्ति काल से लेकर के पूछ रहे हैं, जो राधा सूर के काल में लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख हुई थी, यानी जो राधा है वो सूर की जो राधा थी वो एक आध्यात्मिक प्रेम लेकर के उन्मुख हुई थी, और वो बियारी के काल में श्रृंगार की नायिका थी, और वही राधा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास में सक्रिय समाज सेविका का रूप धारण कर लेती है। तो यानी यहां से यहां तक जो है काव्य की जो यात्रा है, इस काव्य की यात्रा में कितना परिवर्तन हो गया। तो विभिन्न समस्याओं के संकुल से इस समय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में हिंदी को एक ऐसा पथ प्रदर्शक मिला जिसने हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण करके और एक ऐतिहासिक योगदान प्रदान किया। द्विवेदी एक महान युग प्रवर्तक थे। उन्होंने केवल सरस्वती पत्रिका का ही संपादन नहीं किया था, लेकिन उसमें या उस समय व्याप्त हिंदी साहित्य में व्याप्त जितने भी जो काव्य से संबंधित जो थी उनका संपादन भी किया, और युग साहित्य का और साहित्य और समाज का एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था। तो अब हम चलते हैं कि इसी की कौन कौन सी सामान्य प्रवृत्ति है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई द्विवेदी जी के समक्ष। उस समय हिंदी साहित्य को स्थापित करने में या हिंदी साहित्य का परिष्कार करने में कौन कौन सी समस्याएं आई, देखिए एक तो आई थी भाषा की अराजकता। उस समय हिंदी भारत के विभिन्न प्रदेशों में लिखी जा रही थी, इसलिए उसमें बंगला, उर्दू, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी, ये सारी भाषाओं के शब्द है वो उसमें धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे थे, और इन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से एक तरफ तो हिंदी के शब्द भंडार में बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी,
लेकिन उसमें अराजकता का भी समावेश हो गया था, यानी मन चाहे प्रयोग हो रहे थे। तो एक तो उनके सामने थी भाषा की अराजकता की समस्या, यानी जैसे मान लो अगर प्रश्न आ जाता है कि द्विवेदी युग में हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, तो आपको इस तरह लिखना है। अब हम जैसे आगे इसकी पूरी विशेषताएं पढ़ेंगे। दूसरे यहां समस्या आई थी व्याकरण की समस्या, दूसरी ओर उसमें समस्या थी व्याकरण की, क्योंकि अभी तक हिंदी भाषा का कोई अच्छा व्याकरण नहीं बन पाया था और बिना व्याकरण की भाषा में शुद्धता और एकरूपता लाना दुष्कर काम था। लोग मनमाने ढंग से लिख रहे थे। द्विवेदी जी ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया और स्वयं लेख लेकर के शुद्ध खड़ी बोली गद्य का रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। तीसरी एक समस्या थी शब्द भंडार की समस्या। शब्द भंडार यानी जब हिंदी बनी थी तो उस समय क्या है कि शब्दों की कमी थी, हिंदी का शब्द भंडार सीमित था, उसमें सभी प्रकार के भावों और विषयों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं थी। कभी कभी मौलिक भाव प्रकाशन करने के लिए भी लेखकों को साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। इसलिए उस समय के हिंदी शब्द भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता भी अनुभव की गई, यानी अन्य भाषाओं के जो शब्द है वो भी इसमें आए, क्योंकि आज जब हम हिंदी को देखते हैं तो हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के 20 भाषाओं के शब्द है वो हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय हिंदी बनी थी तो उस समय हिंदी का शब्द भंडार या हिंदी का शब्द कोश पढ़ना जरूरी था। आज तो हिंदी का शब्द कोश है वो असीमित है। तो इस स्थिति में द्विवेदी जी ने इसका सुधार करने के लिए बीड़ा उठाया और उन्होंने शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, प्रांतीय शब्द, षण्मंगूर शब्द और व्यापक शब्द। षण्मंगूर शब्द वो थे जो कुछ समय के लिए उपयोग में आए और समाप्त हो गए, और व्यापक शब्द वो है जो आज भी प्रचलन में है, और प्रांतीय शब्द है वो भी आज हिंदी में प्रचलन में है लेकिन वैसे के वैसे ही हो गए हैं। तो इस प्रकार अथक प्रयत्न से, यानी उनके अथक प्रयत्नों से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित कर उसमें उज्ज्वल भविष्य की नींव डाली, जिसका या जिसके आज हम अधिकारी और भोक्ता है। जिस भाषा का आज हम उपयोग कर रहे हैं उस भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यवस्थित रूप से सजाया। अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां क्या है या द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का स्वर विकसित हुआ। इस काल में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का स्वर विकसित हुआ। द्विवेदी युगीन कविता की प्रधान भावना देशभक्ति की है। इस युग के कवि समस्त जनता यानी विद्यार्थी, मजदूर, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी को देश की स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए आत्मबलि कर देने को प्रेरित करते हैं। इस युग के जो कवि है वो आम जन से, यानी यूं कह सकते हैं चाहे वो कोई भी है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, मजदूर है, विद्यार्थी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी को आजादी की स्वतंत्रता के लिए आत्मबलि यानी आजाद होने के लिए विचार प्रेरित करते हैं उनके, और वे देशवासियों को द्वेष भाव छोड़ करके देश की सर्वतोन्मुखी उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आत्म बलिदान करने का महत्व सिद्ध करते हैं। और एक रूपनारायण पांडे की एक कविता है, रूपनारायण पांडे ने उन्होंने एक कविता लिखी थी उस समय, तो उन्होंने लिखा था कि जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटिकंड से मिलकर के दो हम सब है भाई भाई, पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है, देश यही, इससे बढ़कर या ऐसा ही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में है जगह नहीं। यानी उन्होंने एक इस प्रकार की कविता लिखी थी। कविता लिख करके लोगों ने जैसे प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति, धर्म, लिंग सभी को उन्होंने देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। दूसरी इस युग की विशेषता थी बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव। बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव क्या है? द्विवेदी युग काव्य धारा नवीन वैज्ञानिक युग के अनुकूल है। नवयुग के प्रारंभ से ही विचार स्वातंत्र्य का विकास हुआ। बुद्धिवादी विचारधारा का द्विवेदी युग में व्यापक प्रभाव पड़ा। और द्विवेदी युग की कविता में यह भी स्पष्ट लक्षित होता है कि सबसे अधिक क्रांति धार्मिक क्षेत्र में हुई थी। पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को छोड़कर के वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि से परखा गया, और काव्य में शक्ति के दो रूप राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के नाम प्रचलित थे, यानी ये चले आ रहे थे। वैसे ये भक्ति काल में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शुरू हुई थी, और इसके बाद आप देखते हैं कि ये रीति काव्य में भी इसका चलन था, और रीति काव्य के बाद जब ये आधुनिक काल में आए तो आधुनिक काल में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के पद रचे गए, लेकिन उनके पदों की रचना में और उनके आराध्य देव के काम में फर्क था। फर्क क्या था? इन दोनों प्रकार की भक्ति के आलंबन राम और कृष्ण के चरित्र का आधुनिक परिस्थिति और मानवतावादी विचारधारा के अनुकूल विवेचन किया गया। इसमें क्या है कि अब जो है यथार्थ जो है समाज की जो यथार्थ स्थिति थी
उन स्थितियों को ध्यान में रख करके और काव्य की रचनाएं की जाने लगी। तीसरी इसकी विशेषता है आधुनिक काल के महाकाव्यों में बौद्धिकता का समावेश। बौद्धिकता का समावेश आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के प्रादुर्भाव एवं विकास से हम अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल में स्थित दार्शनिक आधार को भूलकर उसके स्थूल शरीर की आलोचना में प्रवृत्त हुए हैं और द्वैत युग में राम और कृष्ण चरित्र के दो मुख्य कवि थे मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी थी और यानी इन्होंने जो है प्रिय प्रवास लिखा था। तो इन दोनों के राम भक्त और कृष्ण भक्त के रूप में ये दो चरित्र थे। तो इन दोनों के काव्यों में ये स्पष्ट लक्षित होता है कि तर्क की कसौटी पर राम के चरित्र को कसा गया और राम में मानवीय दुर्बलताओं का दर्शन और रावण में मानवीय गुणों की योजना बुद्धिवाद की प्रबलता के कारण ही है। यानी उन्होंने जब देखा तो इस समय क्या है कि जिन पात्रों का बिल्कुल ही वर्णन नहीं किया गया उन पात्रों को इन्होंने बहुत अच्छे में वर्णन किया। साकेत में आप देखिए जो उपेक्षित पात्र है उन उपेक्षित पात्रों को और अधिक आगे लाने का काम किया गया है, यानी उनको उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा प्रयास किया गया है। इस युग में राम का पूर्ण मानवीय राम को है वो पूर्ण मानवीय रूप प्रतिष्ठित करना था। पहले ईश्वर को मानव अवतार लेते दिखाया गया था, अब मानव में ईश्वर की प्रतिष्ठा हुई है। यानी पहले क्या होता था कि ईश्वर यानी उसमें ज्यादा कल्पनाएं ज्यादा थी। आदिकाल में देख लें भक्ति काल में देख लें तो ईश्वर जो है यानी श्री राम है तो श्री राम में कल्पनाएं बहुत ज्यादा और कल्पनाओं के माध्यम से उसमें क्या है कि अवतार लेते हुए दिखाया गया। लेकिन वर्तमान में जो है आधुनिक युग में द्वैत युग में जो जिस ईश्वर की या राम की रचना हुई थी उसमें राम में यानी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करते हुए एक राम को मानव के रूप में उपस्थित करके और उनमें ईश्वर की भावना है वो प्रतिष्ठित करवाई है। साकेत महाकाव्य को प्रारंभ करते समय कवि प्रश्न रखता है कि राम तुम मानव हो क्या, ईश्वर नहीं हो क्या। यानी वो साकेत महाकाव्य की प्रारंभ करता है तो उसमें प्रारंभ की लाइन है ये कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। इस प्रकार नर में नारायणत्व की उद्भावना इस युग की बुद्धिवादिता का स्वरूप है। यानी इसमें नर में नारायण की स्थापना करने का काम किया गया है। राम का आगमन में नारायण की स्थापना करने के लिए है और वो राम क्या कहते हैं, राम जो है वो वहां के जो अपने जनता है आम जन है उनको क्या संदेश देते हैं कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। कहने का अर्थ है कि मानव जो है वो स्वयं यदि मेहनत करे तो ये पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाती है। उन्होंने कहा कि मैं कोई वो स्वर्ग की कल्पना वाला स्वर्ग नहीं बताता, मैं इस पृथ्वी को इस स्वर्ग के रूप में विकसित करने मानव का सहयोग करके भ्रातृत्व की भावनाओं से हम इसी पृथ्वी को ही स्वर्ग बना सकते हैं, इसी प्रकार के विचार लेकर के यहाँ पृथ्वी पर आया हूं। चौथी इनकी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता। द्वैत युगीन काव्य की अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता, यानी गद्य भी इसमें लिखा गया। द्वैत युग की कविता की शैली सरल गद्य की शैली हो गई है, कविता का उद्देश्य केवल उपयोगिता हो गया था। इस युग के काव्य में उपयोगितावाद की झलक दिखाई देती है और उपयोगितावाद का स्वरूप काव्य में इतिवृत्तात्मक वर्णों से दिखाई पड़ता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की एक विश्व प्रेम कविता है जो मानवता की सेवा और मुक्ति की झलक दर्शाने वाली दो पंक्तियां हैं। गोपाल शरण सिंह की दो पंक्तियां देखिए कि जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। यानी विश्व प्रेम की भावना यदि किसी के मन में है तो ही वह व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है। द्वैत युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता प्रसिद्ध है। इस इतिवृत्त शैली ने इस युग की कविता को नीरस बना दिया है क्योंकि ये इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता से लोगों में क्या है कि रुचियां समाप्त हो गई। जो लोग है वो इनको पढ़ना नहीं चाहते थे, पढ़ते नहीं थे, तो कविता को थोड़ा नीरस कर दिया था। और द्वैत युग के अंतिम काल में बहुत ही सुंदर मुक्तकों की रचना भी हुई है। जैसे देखिए एक एकाकीपन को व्यक्त करते हुए वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तूने में अपनी चाह गनी निरख सकी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भये। यानी ये राधा से संबंधित बात है।
और ये दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी दोनों ओर दीपक, दोनों ओर प्रेम पलता है, जो बहुत अच्छी कविता है। अगला प्रश्न है कि जैसे इसकी विशेषता है मानवतावादी विचारधारा और नारी स्वातंत्र्य की भावना, इस युग में नारी स्वातंत्र्य की भावना विशेष थी। मानवतावादी विचारधारा के द्विदयुगीन काव्य में तीन स्वरूप मिलते हैं। समानता की भावना, इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता आती है, और पीड़ित और दुखियों के प्रति सहानुभूति, इसमें भी नारी सम्मान की या नारी पीड़ा को व्यक्त करने का काम किया गया है। मानवतावादी विचारधाराओं में नारी स्वातंत्र्य की भावना है, और उन्होंने मानवीय गुणों के माध्यम से, मानवीय गुणों की सहज स्थापना करके और परम सत्य के रूप में स्वरूप की निवृत्ति की है। यानी इसमें क्या है कि मानवीय गुणों की स्थापना की है और परम सत्य स्वरूप की निवृत्ति की है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में नारी के महान स्वरूप का उद्घाटन हुआ है, उन्होंने नारी के प्रति सच्ची भावना और सच्चे स्वरूप को रख करके नायिका के नवीन भेद किए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। अपने रस कलश जो काव्य है, रस कलश में उन्होंने देखिए देश यानी नारी के रूप देखे हैं, देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, जन्म प्रेमिका, लोक सेविका, धर्म सेविका, इस प्रकार भूमि प्रेम, जन्म भूमि प्रेमिका, इस प्रकार क्या है कि ये इन नायिकाओं के अलग अलग रूप है। पहले अलग अलग हुआ करती, जैसे प्रेषित पति का है ना, तो अभिसारी का, तो उनकी जगह इन्होंने इस प्रकार के रूप रखे हैं जो नवीन युगीन विचारधारा के अनुकूल है। और प्रिय प्रवास की इरादा है वो क्या है, लोक सेविका है। सातवीं इसकी विशेषता है कि मैथिली शरणगुप्त के काव्य में उपेक्षित नारी का उत्कर्ष दिखाई देता है। कैसे, नारीत्व के प्रति उच्च भावना को प्रमुख रूप से लेकर के चलने वाले इस युग के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि थे मैथिली शरणगुप्त। उनकी कविताओं में मुख्य रूप से कवियों द्वारा उपेक्षित नारी को ही अपने काव्य में चित्रित किया गया है। साकेत की उर्मिला और केकई, साकेत की उर्मिला और केकई, यशोधरा की यशोधरा और द्वापर की विश्रुता, ऐसी ही नारियां हैं। यानी इसी प्रकार की नारियों की वंदना उन्होंने की है। साकेत में जैसे उर्मिला को उन्होंने दिखाया है, उर्मिला का विरह देखते हैं और केकई का पश्चाताप देखा जाता है। यशोधरा में जब सिद्धार्थ उनको छोड़ के चले जाते हैं, तब वो क्या करती है, यानी वह स्वयं कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझे जीवन पथ में बाधा पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो यानी वो क्या कहती है कि वो हमें सोते हुए छोड़कर चले गए, जो ठीक नहीं है। यानी उन्होंने भारतीय नारी को उन्होंने पूरा नहीं पहचाना था। हम तो वो नारियां हैं जो उनका आत्म बलिदान करने के लिए हम अपने हाथों से सजा करके और युद्ध स्थल पर भेज देती हैं। साकेत में भी उर्मिला को दिखाया गया, उर्मिला का विरह दिखाया गया है और केकई का पश्चाताप भी दिखाया गया है। गुप्त जी ने नारी युग का यानी नारी का युग, युग की तपस्विनी नारी का बड़ा उदात्त चित्र प्रस्तुत किया। यानी यशोधरा में देखिए, और यशोधरा में देखिए यहाँ पर जो उस समय नारी की स्थिति थी उसका वर्णन भी उन्होंने किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। यानी ये उन्होंने व्यक्त किया था। और एक जैसे नारी के इस रूप को व्यक्त किया, देखिए स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसी प्रकार इस युग में एक विशेषता बनती है सत्य और न्याय का समर्थन, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है वो इस वर्ग में देखने को मिलती है। द्विवेदी युगीन काव्य काव्य धारा का जो मूल है उसमें मानवतावादी विचारधारा प्रवाहित हो रही थी। उसकी दूसरी विशेषता सत्य और न्याय का समर्थन करने की है। इस युग के कवि सामाजिक अत्याचार और धार्मिक असहिष्णुता की कड़ी आलोचना करते हैं। सामाजिक अत्याचार यानी समाज में जो भेदभाव होते थे और धर्म में जो असहिष्णुताएं थी, उन सभी की बहुत अधिक आलोचनाएं करते हैं। जैसे गरीब, किसान, विधवा, अछूत आदि, इन कवियों के काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। और द्वितीय युग में किसान की बड़ी लंबी चर्चा मिलती है, और इसी के कारण यानी किसान के आंदोलन हुए हैं जो कृषक वर्ग को बड़ा महत्व देता है। अब इनके काव्य में प्रकृति चित्रण भी मिलता है द्वैतयुगीन काव्य में। यानी द्वैतयुगीन काव्य है वो 1900 से लेकर के 1918 तक माना जाता है, 1900 से लेकर के 1918 तक मानते हैं, कई विद्वान 1900 से 1920 तक भी मानते हैं। तो 1918 तक जो है इसके काल को माना जाता है। द्वैतयुगीन काव्य धारा की अगली विशेषता स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की है।
और इस युग की कविता में सच्चा प्राकृतिक प्रेम प्रतिफलित हुआ है। द्वितीय युग के कवियों को प्रकृति से सच्चा प्रेम है, यानी द्वितीय युग के कवि प्रकृति से सच्चा प्रेम करते हैं और वो लिखते हैं कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन्न धारती। यानी प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अलग है। और इस युग में जैसे महान कवि हरिओजित जो थे उन्होंने प्रकृति को 5 रूप बताए हैं, आलमन रूप, उद्दीपन रूप, बिंब प्रतिबिंब रूप, उपदेशात्मक रूप, आलंकारिक रूप। यानी इनमें चारों ही बात आ जाते हैं, आलंबन भी है, उद्दीपन भी है, यानी विभाव भाव विभाव जो होते हैं, आलंबन उद्दीपन, यानी ये सभी के सभी इसमें दिखाई देते हैं। जैसे एक कविता है कि पर्वत शिखरों का हिम गलकर जल जल बनकर नालों में आकर, पर्वत शिखरों का हिम गलकर जल बनकर नालों में आकर, छोटे बड़े चीकने अगणित शिला समूहों से टकरा कर, गिरता उठता फेन बहाता अति कोला हल हर हर, और वीर नाहिनी की गति से कहता रहता निश्वासर। यानी अब ये कहते हैं कि पर्वत शिखरों से जो पानी उतरता है वह पानी भी विभिन्न प्रकार के पत्थरों से टकरा करके आता है, तो उनकी भी परिस्थितियां अलग है। तो इसी प्रकार मनुष्य की परिस्थितियां अलग है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी आदमी है वो स्वयं जो है उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे कहा जाता नहीं कि भाई जो व्यक्ति मेहनत करता है, यानी उसे जो व्यक्ति मेहनत करता है तो मेहनत करने से तो पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, इस प्रकार की बातें कही जाती है। अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद, इस समय अंग्रेजी की जो कविताएं थी उनका अनुवाद भी हुआ है। द्विवेदी युग में सरस्वती में अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद छपा करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया और अंग्रेजी की कविताओं के अनुवाद हुए। श्रीधर पाठक ने जैसे गोल्डस्मिथ का जो लिखा हुआ हर्मिट है, हर्मिट को उन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से अनुवादित किया है, यानी गोल्डस्मिथ का लिखा हुआ है हर्मिट। इसी प्रकार जैसे ट्रेवलर को उन्होंने श्रांत पथिक के नाम से लिखा है, डेजर्टेड विलेज को उन्होंने उजड़ ग्राम नाम से पद्यानुवाद किया है। तो ये अंग्रेजी कविताओं का भी उस समय अनुवाद हुआ था। दसवीं इनकी विशेषता है बंगला काव्यों का अनुवाद या बंगला काव्यों का अनुवाद। द्वितीय युग के काव्य में अन्य भारतीय और भाषाओं के काव्यों का अनुवाद भी उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में बंगला और मराठी दो भारतीय भाषाएं उल्लेखनीय है। बंगला से काव्य सामग्री ली गई तो मराठी से शैली, यानी बंगला से काव्य सामग्री और मराठी से शैली लेकर के और उस युग में काव्य रचा गया। दसवीं विशेषता खड़ी बोली की काव्य भाषा, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना या खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा। द्वितीय युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। प्रारंभ में तो ये भाषा बड़ी अव्यवस्थित रही थी, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से इनकी पदावली का परिष्कार हुआ और द्विवेदी जी ने इस भाषा का जो व्याकरण था और उस व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां थी उनको दूर किया और दूर करके इस भाषा को एक सामर्थ्यवान भाषा बना दिया। इसकी 11वीं विशेषता है अभिव्यंजना। तो काव्य में सभी प्रकार के काव्य रूपों को अपनाया गया है। जैसे काव्य में अभिव्यंजना भी है, जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य में जैसे साकेत है, क्या है साकेत है, प्रिय प्रवास है। खंड काव्य भी लिखे गए जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, प्रेम पथिक, मौर्य विजय, मिलन, ये खंड काव्य भी लिखे गए। पद्य कथाएं भी लिखी गई जैसे विकट भट्ट, केशों की कथा, शकुंतला जन्म, रुक्मणी संदेश, सीता, ये सभी जो है वो खंड काव्य भी लिखे गए, तो उसमें अभिव्यंजना भी हुई है। और इसके बाद है अलंकार, कलात्मकता भी है इनके काव्य में, कलात्मकता भी है, अलंकार विधान। इस युग के कवियों में जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुत विधान, प्रतीक, श्लेष, स्वभावोक्ति, इन अलंकारों का वर्णन हुआ है। छंद विधान में यदि देखा जाए तो दोहा, कवित, सवैया, रौला, छपे, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका, तोटक, लावणी, वीर, इन छंदों का कुशलता से इन्होंने प्रयोग किया है। तो अब निष्कर्ष रूप में हम क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष रूप में इतना ही लिख सकते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण और उच्च आदर्शों एवं उदात्त भावनाओं का काव्य है, जिसका विषयगत चित्र फलक अत्यंत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। इस युग में सभी प्रकार के काव्य रूपों को व्यवहार किया गया। इस युग में विविध छंदों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया और खड़ी बोली ने सुगढ़ता, मार्दवता, प्रांजलता और परिपक्वता को ग्रहण कर लिया। इस युग में हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव सन 1900 से लेकर के 1920 तक रहा और इसी कारण
कुछ आलोचकों ने इस काल को द्विवेदी युग के नाम से पुकारा है। तो द्विवेदी युग के नाम से पुकारने का कारण यही है कि भाई यह है इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे ज्यादा योगदान रहा, ये किरदार जो है वो सबसे अधिक आकर्षक रहा और उन्हीं के विचारों से ये प्रेरित रहा। उम्मीद करता हूँ ये द्विवेदी युग आपके समझ में आ गया है। तो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक था। धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो वो वीडियो आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपके हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री और जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इन सभी के वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।